उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पैसों का लेन देन के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दरअसल मामला मोदा थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक के पास का है, जहां चार युवकों ने एक युवक को लोहे की रोड से पीटकर लहूलुहान कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस की माने तो आरोपियों और घायल के बीच कुछ दिन पहले पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आज यह घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना मोदा से संबंधित एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें कि एक व्यक्ति को कुछ लोग मार पीट रहे हैं। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो ये पाया गया कि पिछली 3 तारीख को दो पक्षों में कुछ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। तो इसमें जो व्यक्ति वीडियो में पिटता हुआ दिख रहा है, वो थाना मोदा का हिस्ट्री शीटर है और उसने कुछ पैसे लिए थे और उसके संबंध में उसके द्वारा गाली गलौज किया गया था। तब विपक्षियों द्वारा आकर इससे मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पे से दो लोगों को जो कि मारपीट कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चोटिल व्यक्ति है जो कि हिस्ट्री शीटर है उसे इलाज के लिए थाने में एडमिट करा दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई इसमें की जा रही है।